दोस्तों आज हर एक यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, जिसमें हम बात करेंगे अगर आप 11th 12th में हैं तो आपको यूपीएससी कैसे करना है, अगर आप ग्रेजुएशन में अभी गए तो आपको अपना यूपीएससी कैसे स्टार्ट करना है, और अगर आप सबसे इम्पोर्टेंट आप जो है आफ्टर ग्रेजुएशन है तो आपको अपनी यूपीएससी की स्ट्रेटेजी को और पढ़ाई को किस हिसाब से करना है ताकि आपका यूपीएससी 100% क्रैक हो जाए। दोस्तों देखिए, अगर हम बेसिकली बात करें ना तो 11th 12th ग्रेजुएशन और आफ्टर ग्रेजुएशन, ये तीन ही ऐसा स्टेज है जहां पर एस्पिरेंट यूपीएससी की तैयारी की सोचते हैं या अपना तैयारी करते हैं। और इसमें भी अगर हम 11th 12th की बात करें तो ये यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए एक सुनहरा अवसर होता है अपना फर्स्ट अटेम्प्ट में यूपीएससी क्रैक करने का, और इसको हमने ग्रीन इसमें रखा है। ग्रीन इसको जोन में इसलिए रखा है क्योंकि आपके पास अभी इसके लिए समय है, और समय है तो सबसे पहले कोशिश करो कि आप सबसे पहले इसके सिलेबस को जानो, ठीक है, कि यूपीएससी का सिलेबस क्या कहता है, सिलेबस में क्या क्या टॉपिक है, क्या क्या हमें पढ़ना है सिलेबस के अकॉर्डिंग, ये सब जानो, ठीक है। क्योंकि देखो आपके पास अभी 11th 12th में है तो अभी आपके पास 4 से 5 साल का समय है, बहुत समय है, टाइम को वेस्ट मत कीजिए, टाइम के साथ पढ़िए, ठीक है। तो आपको तो पहले आपको इधर 1 ईयर देना है, आपको क्या सिलेबस को समझना है, उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट आपका जो न्यूज़पेपर है। देखो यूपीएससी की तैयारी करते हो तो समझ लो कि ट्रेनिंग आपका स्टडी से ही स्टार्ट हो गया। न्यूज़पेपर इसमें जो है नोट्स बनाओ मत न्यूज़पेपर के, इसमें आप कोशिश करो न्यूज़पेपर का आदत लगाओ, ठीक है, एक आदत आपका बनना चाहिए ताकि आप जब आगे जाओ तो आपको न्यूज़पेपर की जो है उतना जो है बोरिंग ना लगे, ठीक है। नाउ इसमें सेकंड जो करना है आपको PYQ यानी कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखते हुए पढ़ना है, कि अगर आपको देखना है कि 2016 में जो है यूपीएससी जो है कैसा क्वेश्चन पूछा था 17 में 18 में, है ना। और इसमें यह भी देखना है कि इसमें ट्रेंड एनालिसिस क्या क्या चलता है, कि कौन सा ऑप्शनल बेटर होता है, क्या मेरे लिए बेस्ट है, तो ये 11th 12th में आपको पूरा देखना है। बाकी आपको जो है स्टार्ट करना है, जब आप जाओगे तो आपको 6 से लेकर के 12th तक का एनसीईआरटी स्टार्ट करना है ना, उसके बाद आपको अपना स्टडी को पूरा आपका ग्रेजुएशन फाइनल ईयर तक लेकर के जाना है विथ एडवांस, ठीक है, तो ये आपको करना है। हाँ, और बेसिकली इसमें हम अगर बात करें तो इसमें आपको जो है प्रॉपर, अगर आप 11th 12th में है तो आपको प्रॉपर 11th 12th से आपका ग्रेजुएशन तक आपको कम से कम 5 से 6 घंटे का आपको मिनिमम स्टडी करना है। देखो 11th 12th से स्टार्ट कर दोगे ना तो समय तो है, अब समय ज्यादा है तो आपको टाइम कम देना पड़ेगा, मतलब समय ज्यादा समय है तो कम समय करके भी पढ़ेंगे, हरासमेंट भी नहीं होगा और यूपीएससी की आपको तैयारी भी हो जाएगी, ठीक है। तो ये रहा आपका 11th 12th का पूरा आपका जो है, ठीक है, कहने का मतलब है कि आप समझिए, समय दीजिए, उसके बाद अपनी स्टडी को स्टार्ट कीजिए, कोई टेंशन नहीं है सिलेबस के अकॉर्डिंग। नाउ उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों ग्रेजुएशन में, कि जो ग्रेजुएशन में है या ग्रेजुएशन में जिन्होंने जो है एडमिशन लिया है उनके लिए क्या होनी चाहिए यूपीएससी की स्ट्रेटेजी, जिसको हमने रखा है ब्लू जोन में रखा है। ब्लू जोन में इसलिए रखा है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट समय है आपके लिए, क्योंकि देखो आप ग्रेजुएशन में हो तो समझो कि आपके पास 2 ईयर समय है, ठीक है, होता तो 3 ईयर का है ग्रेजुएशन, ठीक है, लेकिन भाई अगर आपका 21 साल हो चुका है तो ऐसा तो नहीं है, आप तो अपेयरिंग में तो एग्जाम दे सकते हो ना, क्योंकि आप फाइनल ईयर में हो तभी आप यूपीएससी का फॉर्म भर सकते हो। तो इसमें जो आपको सबसे इम्पोर्टेंट आपको करना है, आपको स्टार्टिंग जो है पहले तो सिलेबस को अच्छे से समझना है, एक बार सिलेबस को पढ़ लोगे, ठीक है, उसके बाद यहां से आपको क्या करना है, आपका नोट्स तैयार हो जाना चाहिए, प्रिपेयर बनना चाहिए। किसका नोट्स भी बनाना है तो आपका न्यूज़पेपर का नोट्स, क्योंकि 2 साल यूपीएससी में दे रहे हो तो 2 साल का यूपीएससी में आपका करंट अफेयर भी डिमांड करता है, 2 साल का करंट अफेयर आपको रेडी कर लेना है, ठीक है, बनाना स्टार्ट कर दो, ठीक है, क्योंकि 2 साल आपके पास समय बचे हैं। नाउ सबसे नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट आपको करना है 11th + 12th, है ना, क्योंकि 6 से 12th तक का तो एनसीईआरटी इम्पोर्टेंट है, लेकिन 11th और 12th का एनसीईआरटी आपको बहुत ज्यादा आपको जो है डीप में पढ़ना है, जिसमें अगर हम बात करें इम्पोर्टेंट टॉपिक की तो एक आपका हिस्ट्री हो गया, एक आपका पॉलिटी हो गया, एक आपका ज्योग्राफी हो गया और एक आपका इकोनॉमिक्स हो गया, ठीक है। तो यहां से आपको स्टार्ट कर देना है, 11th 12th पे ज्यादा फोकस करना है, उसके बाद जब आप फाइनल ईयर में चल जाओगे तब आप अपना एडवांस बुक को स्टार्ट कर दो, एडवांस बुक पढ़ो, जैसे एम लक्ष्मीकांत हो गया पॉलिटी के लिए, अब राम शरण शर्मा हो गया हिस्ट्री के लिए, बिपिन चंद्र, सतीश चंद्र आपका हो गया, जीसी लियोंग, बहुत सारे ऐसे बुक्स है, उसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये स्ट्रेटेजी आपको करना है तो करना है, और मिनिमम इसमें अगर हम स्टडी की बात करें ना तो आपको स्टडी इसमें देना है मिनिमम
आपको जो देना है वो 8 घंटे से आपको 9 घंटे देना है डेली 2 साल तक, तब आपका कहीं ना कहीं स्टडी बेसिक से और एडवांस तक जाएगा। और इसके बाद जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट आने वाला है और डेंजरस, वो हमारा है रेड जोन। अब रेड जोन इसको हमने इसलिए नाम दिया है क्योंकि ये आफ्टर ग्रेजुएशन हो गया, यानी आपका 21 साल कंप्लीट हो गया, आप एलिजिबल है, आपके पास टाइम की कमी है। तो टाइम की कमी है तो इसमें आपको जो सबसे इम्पोर्टेंट अब करना है, देखो एनसीईआरटी पढ़ा नहीं पढ़ा उससे अब तो देखो अफसोस तो करना नहीं है, क्योंकि देखो 1 साल समय है तो 1 साल के अंदर सब कुछ कवर करना है। तो बेसिकली आप क्या करो ना, आप कोशिश करो 9th, 10th, 11th, 12th का आप एनसीईआरटी पढ़ो, ठीक है? क्योंकि देखो अब इतना तो आपके पास समय कम है कि आपको अब जल्दी लेवल से अपना स्टार्ट करना 9, 10, 11, 12th। और इसमें भी जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपका ये 11, 12th एनसीईआरटी, इससे अपना बेसिक कंप्लीट करो। न्यूज़पेपर आप ऑनलाइन पढ़ो, ठीक है? ऑनलाइन पढ़ो करेंट न्यूज़पेपर, जो करेंट इशू चल रहे हैं उसको पढ़ो, ठीक है? इसको आप बहुत इंपॉर्टेंट से करंट अफेयर को पढ़ना, जिसके पास अभी 1 साल का समय है, ठीक है, या जिसका आफ्टर हो गया। और कोशिश करो जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है इसमें, देखो जगह नहीं बच रहा तो हम यहां पर समझा देते हैं आपको, ठीक है? इसमें आप समझो कि आपको जो अगर आपका आफ्टर ग्रेजुएशन हो गया है, मतलब आपका आफ्टर ग्रेजुएशन है, तो कोशिश करो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखो, ठीक है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखो 2000, आप कम से कम 2 साल टू ईयर का, ठीक है, टू ईयर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो। उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट है आपको स्टार्ट कर देना है क्या, मॉक टेस्ट, जल्दी से मॉक टेस्ट स्टार्ट कर देना है। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपको देखना है कि किस, मतलब कि किस सब्जेक्ट से या किस टॉपिक से जो है ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ये कहां से पता चलेगा, ये आपको ऑफिशियली डाउनलोड करना पड़ेगा, किससे, आपको यूपीएससी के वेबसाइट से डाउनलोड करना पड़ेगा क्वेश्चन पेपर कि कौन से टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और हाँ, सबसे जो इसमें इंपॉर्टेंट आपका करना, अगर 1 साल बचा है तो कोशिश कीजिए कि अब एडवांस बुक पे आप, यानी कि स्टैंडर्ड बुक में आप ज्यादा अब आप डिपेंड हो जाइए। एडवांस बुक, स्टैंडर्ड बुक, जैसे कि एम लक्ष्मीकांत हो गया पॉलिटी के लिए, इकोनॉमिक्स के लिए, आपका जो आप मृणाल सर के जो है नोट्स देख लो, वीडियो देख लो, या एडवांस बुक कुछ इस टाइप का आपका हो गया, जो एडवांस बुक सब आते हैं, तो इसमें आप ज्यादा डिपेंडेबल हो जाओ, ठीक है? तो ये सब करना बहुत जरूरी होता है। और हाँ, अगर इसमें भी हम बात करें कि अगर आपका यदि फाइनल ईयर है या तो आप ग्रेजुएशन आफ्टर हो, तो कम से कम आप यार देखो कोशिश करो कि आपका जो स्टडी होना चाहिए वो 10 से लेकर के 12 आर तक होना चाहिए। अब 1 मिनट भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और आफ्टर ग्रेजुएशन है ना, तो कोशिश कीजिए अपना जो है मिनिमम जो है आप लगभग 12 आवर तक तो अपना स्टडी को करिए ही करिए, अगर ग्रेजुएशन हो चुका है कंप्लीट, ठीक है? तो यूपीएससी के लिए ये सब था पूरा इंपॉर्टेंट चीज। तो वीडियो पसंद आती है तो लाइक करो, शेयर करो, और अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर कर लो। वीडियो पसंद आती है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करना, ठीक है? दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।